Sankauli residents caught septic tanker red-handed while discharging sewage in gutters of residential colony and urged police to act against septic tankers who illegally parked at Sankauli. हे पोलिसांनी जायते बेगीन हंगासरले हे करपाचे काढपाचे. कितले टिप्पर असतात त्यांना हंगासर? टिप्पर ना, ते 8-9 टिप्पर हंगासर उभे असतात रातचे, आणि ते रातचे हाडून डंपिंग करतात हंगासर माल. हे जे काम चालतं आहे हे 5-6 महिने झाले, 6 महिन्याच्या हे काम सगळे चालू आहे त्यांचे, आणि ते रातचे एकाक दोनाक असे हाडून डंपिंग करतात. आणि आता तुम्ही तक्रारीने धरला आहे? आज होय, आज हायन धरले त्यांना. कितले त्रास तुम्हाला जाता हंगा? आणि किती त्रास होता तुमका? त्रास खूप जाता, पण ते रातचे एका दोनाक करता म्हणता आमकां मिळोना ते. आज ते 10:30 सुमार ते काम करताले, ते हांव हेने धरले तेंका सामके. आज पुलिसांक कंप्लेन दिली? हां, पुलिसांक कंप्लेन दिली, पुलिसांनी कंप्लेन घेतलेली आहे. आणि आता पुलिसांक सध्या काय त्यांनी किती चेक केलं? पुलिसांक आम्ही काय हे दाखवले, जे फोटोग्राफर आहात ते सगळे दाखवले. आणि टँकर खंय आता? हा, टँकर पोलीस स्टेशनाचेर आहे. तुमचे किती डिमांड आहे? आमची डिमांड आहे म्हटलं त्याने सामके एकदम स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेऊपा जाय. आणि हंगासर जितले घाण करता ते हे जे टिप्पर हंगासर उभे रावता ना, ते रातचे हाडून हंगासर डंपिंग करता. सर, रेजिडेन्सी कॉलनी तुमची? होय होय, कॉम्प्लेक्स. पर आपको अभी जब रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में कोई आता है तो आपको फिर आप क्या करते हैं उसके बारे में? तब हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमको इन्फॉर्म करता है तो हम लोग आते हैं, मगर इन लोग तब तक निकल जाते हैं. हमारे सिक्योरिटी गार्ड का भी कैसा है, एवरी आवर उसको राउंड लेना पड़ता है और ये करीब 300 मीटर स्ट्रेच लंबा है. तो उन लोग का इतना अच्छा बना करके रखा है सिस्टम कि जब हमारा सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है उस टाइम ये गाड़ी को अंदर ले करके आते हैं, और जब तक वो वहाँ से वापस घूम करके आता है उसको 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है राउंड मार करके आने में. तब तक ये अपना काम करके चले जाते हैं. टैंकर था ये? सेप्टिक टैंकर था जो अभी बेरना पुलिस स्टेशन के कस्टडी में है. हाँ. तो जब वो यहाँ पे लेकर के आए, वो टैंकर को मूवमेंट कर रहा था और वहाँ पे पानी डिस्चार्ज कर रहा था, और इनको देखते ही वो वाल्व बंद कर दिया और नानुकूल करने लगा. फिर हम लोग भी यहाँ पहुँचे, उसके साथ में बातचीत की तो वो माना नहीं. उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पुलिस वगैरह आई है, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हम लोगों ने, और टैंकर को अभी लेकर के पुलिस स्टेशन लेकर के गए हैं. तो ये आज नहीं, इससे पहले भी हुआ था. आज हम लोगों ने रेड हैंडेड उसको पकड़ा है. और हुआ ऐसा है कि जब हम लोग लेकर के गए थे उस टाइम का यहाँ का सीन अलग था, और जो उसका एक्चुअल ओनर है उसको पुलिस वालों ने बोला कि आप भी चलो साथ में. वो नहीं गया, वो यहाँ से गायब हो गया गाड़ियों के पेपर वगैरह लेकर के, लाइसेंस लेकर के. पकड़ा है, आज से एक साल पहले भी हो रहा था, तब रात को 2 बजे 2:30 बजे ऐसा काम हो रहा था. अभी आप अंदर भी देखेंगे तो हमें पता नहीं है ये कौन से टिप्पर है, ये टिप्पर है या बाहर के टिप्पर है. ला करके पूरा गोवा का डेबरी यहाँ डंप कर रहे हैं. यहाँ पे एक मंदिर भी है ऐसा सुना. हाँ, महादेव मंदिर अंदर है तो वहीं के उसके बाजू में सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं. हाँ, महादेव मंदिर के ये कलवर्ट है, यहाँ पे ला करके सीवरेज डिस्चार्ज किया है. और वो ड्राइवर का बोलना है, ओनर का बोलना है कि ये मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है काफ़ी ओनर. अभी हम लोगों ने उस गाड़ी को चेक किया तो उसके गाड़ी के अंदर में अभी भी काफ़ी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है. फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट शान वास्को.